टेलीकिनेसिस सीरीज का ये फोर्थ पार्ट है। अगर बाकी की सीरीज आपसे मिस हो गई तो चैनल आप जल्दी से चेक करो। अगर सीरियसली माइंड पावर में या ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है तो आपको इस वाली सीरीज में बहुत ही गजब की नॉलेज मिलने वाली है। गारंटी है कि आपको मज़ा डेफिनेटली आएगा और आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी टेलीकिनेसिस के बारे में। तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो ताकि कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए, और जो मिस हो गए हैं उन्हें जल्दी से चैनल चेक करो और पीछे जाकर देखो। काफी सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ टेलीकिनेसिस के ऊपर, और बहुत सी चीजें अभी तक बाकी भी हैं। तो टेलीकिनेसिस को आने वाले टाइम बहुत ही आसान बना देने वाला हूँ आपके लिए, सभी थ्योरीज को आपके सामने रखकर। रिसेंट ही हमने टेलीकिनेसिस के ऊपर काफी सारी साइंटिफिक थ्योरीज पर बातें करी थी, काफी कुछ आपको उस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था। तो यार साइंस के साथ साथ ना स्पिरिचुअलिटी की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो भी स्पेशली हमारे चैनल पर जो कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस पर ही बेस्ड है। तो आज टेलीकिनेसिस के ऊपर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी का क्या कहना है सुपर पावर को लेकर। आप हो ब्रेन ब्लास्ट पर, सोच और कल्पनाओं से बहुत दूर। शुरू करने से पहले, अगर आप घर बैठे ये आध्यात्मिक चीज़ें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं या आप सीखना चाहते हो तो अभी इस नंबर पर कॉल करें और रजिस्टर्ड हो जाएं एंड अपनी ट्रेनिंग आज से ही स्टार्ट कर दें। तो जैसे कि साइंस पे काफ़ी सारी थ्योरीज हैं कि टेलीकिनेसिस इस वजह से नहीं हो सकता या इस वजह से हो सकता है, कब तक हो सकता है वगैरह वगैरह, जो भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर बात आती है अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी की, तो आप सब जानते ही हो कि वहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं साफ शब्दों में आपको अभी ही बता दूं कि स्पिरिचुअलिटी आपको टेलीकिनेसिस करने के लिए 101% अलाउ करता है। यहाँ पर किसी भी चीज की कोई भी लिमिटेशन, बाउंड्रीज, सीमाएं नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग हमेशा इस चीज का यूज करते आए हैं। टेलीकिनेसिस को यूज करना मतलब हुआ मैटर को मैन्युपुलेट करना, और मैटर को मैन्युपुलेट करना अगर आप स्पिरिचुअलिटी से पूछो तो वहां पर आपको स्पेस एंड अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करना बोला जाता है, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स टेलीकिनेसिस के लिए बहुत मैंडेटरी हैं। इनको आप मुद्राओं के जरिए भी बैलेंस कर सकते हो, और प्रॉपर भूत शुद्धि अगर आप करना चाहते हो तो वो भी बहुत इफेक्टिव है। मुद्राओं में आपको मिडल फिंगर जिसमें आपका स्पेस एलिमेंट है और रिंग फिंगर जिसमें आपका अर्थ एलिमेंट है, उनके द्वारा आपको इन दोनों एलिमेंट्स को बैलेंस करना होगा। इस पर भी मेरी एक पर्टिकुलर वीडियो है मुद्राओं पर, वो भी आप चैनल को चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी क्या कहता है, तो दूसरी चीज जो टेलीकिनेसिस के लिए जरूरी है वो है आपके कुछ चक्रा की एनर्जी सेंटर्स की ऊर्जा, जिसमें कि आपके तीन चक्रा मेन है, एक तो थर्ड आई, दूसरा सोलर प्लेक्सस और तीसरा हमारा रूट चक्रा जो कि सबसे नीचे है। मेक श्योर ये तीनों आपको एक्टिव या बैलेंस करने होंगे। अगर इन पर फास्ट वर्क करके ब्रेन वेव्स के जरिए इन्हें एक्टिव करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की लिंक है, उसे डाउनलोड करो और हर एक चक्रा के हिसाब से उसमें ब्रेन वेव्स दी गई हैं उन्हें यूज करो, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहने वाला है। जो ऐप मैंने रेकमेंड करी है उसी का यूज करें, दूसरी कोई ऐप की मैं गारंटी नहीं लेता हूं। और हां यार, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो यार, एक एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है आगे वीडियोस बनाने में। और अगर अच्छा ना लगे तो ओपनली डिसलाइक कर दो भाई, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो टेलीकिनेसिस के बारे में, इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी और एक बहुत छोटी सी चीज कहता है लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके अनुसार अगर आपके मन में कोई ऐसी भावना है कि आप ये पावर हासिल करके लोगों को कोई शो ऑफ करना चाहते हो, तो आपको ये एबिलिटीज नेचर की तरफ से कभी नहीं मिलने वाली। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको अगर कुछ हासिल होता है तो आप सब पर वो बताओगे कि हाँ मेरे पास तो ये है, आपके अंदर ये चीज है। तो ये चीज आपके अंदर बिल्कुल भी 001% भी नहीं होनी चाहिए, तभी आपको ये पावर जल्दी से जल्दी मिलेंगी। और एक लास्ट बात जिसमें सब कुछ ही आ जाता है वो ये है कि आप सांसों पर ध्यान लगाना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सांसों पर ध्यान लगाते लगाते जब आप माहिर बन जाते हो तो आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज नेचर की फ्रीक्वेंसीज के साथ ट्यून होने लगती हैं, उन वाइब्रेशंस को पकड़ने लगती हैं, जिससे कि आप एनर्जी रीडिंग सीख जाते हो और फिर टेलीकिनेसिस आपके लिए काफी इजी हो जाता है। तो अगर आप टेलीकिनेसिस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हो या करना चाहते हो तो आपकी इस यात्रा में एक और हेल्पफुल चीज मैं बताता हूं, वो ये है कि ये दो प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहले नंबर पर तो मोस्ट पावरफुल ऐप टेलीकिनेसिस ट्रेनिंग ब्रेनवेव,
वेव्स, ये ऐप आपको टेलीकाइनेसिस के लिए गाइड करेगा। दूसरा सेवन चक्र एक्टिवेशन, ये आपकी प्राणा ऊर्जा बढ़ाएगा जो कि टेलीकाइनेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। आप इन्हें डाउनलोड करें एंड अगर डाउनलोड में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या blastbrain92@gmail.com पर मेल करें। एंड इस सब के अलावा अगर आपको हमारी टीम के साथ जुड़कर टेलीकाइनेसिस या ये सब चीज़ें सीखनी है तो आप लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी कॉल करें और रजिस्टर्ड हो जाएं।